जब दो इंसान बहुत समय से साथ होते हैं तो इस दौरान उन लोगों के दिमाग की रिलेशनशिप मजबूत हो जाती है और कभी कभी वो एक ही समय में समान शब्द का उच्चारण कर देते हैं। एक इंसान को अपने बारे में सुनना सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में बात करें। आपके विचार उन चीजों से बनते हैं जो चीजें आप देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उन चीजों को भी बदल लीजिए जो आप देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। जिन लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है वे उस समय गहरे तनाव में होते हैं। उन्हें तुरंत किसी अपने की जरूरत होती है, जैसे कि माँ या बाप। लंबे समय तक अकेले रहना आपकी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। जिन लोगों में अपराध की भावना बहुत ज्यादा होती है वे दूसरे लोगों के विचारों और भावनाओं को जरा बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसके आते ही आपका बड़ा से बड़ा दुख समाप्त हो जाएगा। दुख एक विचार है, यदि आप इसे पकड़ कर रखेंगे तो आप दुखी हैं, पर यदि आप इस विचार को मुक्त कर देंगे तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। एक मूर्ख व्यक्ति अपने गलतियों को सोच सोच कर खुद को दुखी करता है, परंतु एक समझदार व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेकर अपनी गलती को भुला देता है। व्यक्ति को 100 दिशा में मेहनत करने के बजाय किसी एक दिशा में मेहनत करनी चाहिए, तभी उसे सफलता मिलेगी। अपने दिमाग को इस तरह से तैयार करें कि वो हर स्थिति में शांत रहे। जब मन स्थिर ना हो तो एकांत में बैठकर सांसों पर चिंतन कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त के बाद स्थिर हो जाएगा। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ ना बोले, इससे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना कि वो अपराधी व्यक्ति है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंखें बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन वे असंभव को संभव कर देते हैं। क्रोध वो भावना है जो इंसान के विनाश का कारण बनती है। आपके नकारात्मक विचार आपको आपके दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कठिनाइयां तो आती रहेगी यह निश्चित है, परंतु आपके पास केवल दो विकल्प रहते हैं। या तो आप इसे हार मानकर अपना क्रम छोड़ दीजिए, या फिर इसे एक चुनौती मानकर इसे हरा दीजिए। आपको जो कुछ भी मिला है उस पर कमेंट ना करो और ना ही ईर्ष्या करो। कमेंट और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बगैर उन लोगों के साथ रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे उसके चेहरे की मुस्कान कम हो। यदि हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर नकारात्मक शक्ति ज्यादा है। इसे ध्यान से तुरंत समाप्त कर दीजिए। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। हमेशा सत्य बोले, क्योंकि सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। सच हमेशा दिल से निकलता है। जिस प्रकार एक नदी हमेशा आगे की ओर बहती चली जाती है, वो कभी पीछे मुड़कर ये नहीं देखती कि किसने मुझे पवित्र किया और किसने अपवित्र किया। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए। कभी पीछे मुड़कर ये मत देखिए कि किसने मेरा मजाक उड़ाया या किसने मेरा तारीफ किया। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। भले ही कोई आपके साथ लाख बुरा व्यवहार करे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर अड़िग रहिए। अपने दिमाग को शांत रखिए और आगे बढ़ते रहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं।